तो देवी के 32 नाम है जो आपकी सारी बन रहे हैं पुए। सबको हरेला मुबारक हो। जी रया बच रया इंदिनन बेर बिटिया लाल दसे लाल बकाल बसंत पंचम सब उन्नति करना दीर्घायु भयो यशस्वी भयो। और ये प्लांट मेरा इतना अच्छा हो रहा है, रिवाज है अल्पना देते हैं और दीदी के पैर बनाते हैं। लेकिन चलते हैं जैकू, तो बैठा चलेगा नहीं, इसको अंदर कर दो, इसका खाना खाना अंदर कर दो, कोई और खा जाएगा। आज खाना भी नहीं खा रहा है, शांत बैठा हुआ, आज नहीं खा, इसका आज उद्यापन वो होगा, इसका भी व्रत है आज रामनवमी का, नहीं खा रहा है वो, देखो। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज दशमी यानी हमारे कुमाऊं में दशें कहा जाता है इसको, दशहरे के त्योहार की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए पूरे व्लॉग में, बने रहिए, और जो नए हैं प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब। ना ना मंदिर जा रहे तो चलते हैं, धूप बड़ी सुंदर हो रही है। हाथ छोड़ के चला रहा है। सो गाइस, अक्टूबर का मौसम आ गया है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है आजकल। ये बहुत ही खरड़ बरड़ हो रहा है, इनका टीवी खराब हो गया बोल रहे हैं। रोड की हालत बुरी हो रही है। सामने दिख रहा है हिमालय और ये रोड हमारी बन गई है चकाचक। पैराफिक मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मुझे लगता है हम ही नहीं झगड़ते हैं तो हर हस्बैंड वाइफ झगड़ते हैं। बहुत किनारे मत चलो, एकदम से वजन है मेरी पीठ में भी। आजकल ये मौसम में पहाड़ों की यात्रा करना अच्छा लगता है ना? मतलब ना अभी ठंड है ज़्यादा, हल्की हल्की ठंड है। यहाँ पर तुमको एक पेड़ दिखा, उसके ऊपर थोड़ा झूला है, सुना करो यहाँ पर, और थोड़ा आगे ये देखो अलग ही है ना, कि अलग टाइप का, बिल्कुल अंदर से खोखला दिखता है। ये कोई चिड़िया लाई होगी वो, पूछा था ना मैंने गंभीर जी से, पूछा था मैंने कहा हाँ ये ऐसे पोले पोले से हैं ये दाने। चलो संतुला देवी का मंदिर जो कि आपको ऊंचे पहाड़ में दिखाई दे रहा है, यहाँ के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर एक साधु बाबा को सपने में दिखाई दिए कि यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर खुदाई करी तो यहाँ पर देवी की स्वयंभू मिली है देवी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कुछ भी मांगो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये जो आप देख रहे हो बड़े बड़े फ्लैप जो है इसमें लगा है, बैग टांगना पड़ा है क्योंकि चढ़ाई है, हाथ में बैग ले जा नहीं सकते हैं, खाने को नीचे भी नहीं रख सकते हैं। और रोड के दोनों किनारे आपको ये दुकानें मिल जाएंगी, कुछ एम्पोरियम कश्मीरी उत्पाद ये आपको मिल जाएंगे, और चढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बस जय माता दी बोलो और आप पहुंच जाएंगे टॉप में। ना ना ठीक है, अभी तो लोगों की भीड़ आ रही है बहुत मात्रा में।
बस कन्या मिल जाए मेरे को ऊपर। कन्या तो छोटी छोटी आ गई वापस, ये देखो। माता ने हाँ पूरी कन्याएं सब आ गई। पूछो मैं त्यां कोई ले ऊपर हैं भी कुछ, सारी कन्याएं आ गई, बहुत थी ये। अब पता नहीं माता रानी करेगी चमत्कार तो मिल जाएंगी। तो गाइस सारी कन्याएं तो नीचे को आ गई, पता नहीं माता का चमत्कार होगा कि ऊपर मिलेंगी कन्या हैं। जय माता दी। लात मार गया तो नीचे। हाँ इस साइड पर रिस्की है रखना, इस साइड ही रखो। हे कन्या आ जाओ, जिमोगे हैं, पूजा करूंगी, आ जाओ हैं। छोटी छोटी जा रही है, उनके साथ वाले चले गए ना। रेखा ना दे, रेखा दे, रेखा कह ले कमरे आ। आ जाओ बस पूजा करेंगे फिर जिमाएंगे। और भी बुला लाओ, आपको कोई और भी है साथ में है? ठीक है खाओगे ना? भंडारा खा लिया तो आज यहाँ पर गई, भंडारा भी हो रहा है, भंडारा निपट गया है अब लग रहा है। कहाँ है तुम्हारा गांव? चोगढ़ गांव है। चोगढ़ कितनी दूर है यहाँ से? खाओगी ना बैठो? तो अपने आप ही आपने देखा कन्याएं यहाँ पर मिल गई हैं, मतलब जितनी कन्याएं चाहिए उससे ज्यादा ही कन्याएं मिल गई हैं, तो दिल खुश हो गया यहाँ पर। दे सको अपनी तरफ से देनी चाहिए। कन्याएं यहाँ पर लोग जिमाते हैं और आते जाते, यहाँ पर बहुत कूड़ा हो रहा था तो जो झाड़ू यहाँ पर लगाती हैं पंडित जी की धर्म पत्नी है शायद, तो वहाँ पर नहीं थी और यहाँ बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरी तरफ से जितना हो सके मैं भी कर देती हूँ। दुर्ग माँ लोका दुर्ग मातु स्वरूपिणी दुर्ग मार्ग दुर्ग विद्या दुर्ग माँ शीता दुर्ग
अध्यान भाषिनी दुर्गम ओहा दुर्गम अगा दुर्गम आत्मस्वरूपिणी दुर्गमासुर संघंत्री दुर्गमायुध धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गर्भा दुर्गधारिणी नामावलिमीमास्तु दुर्गाया मम मानव पटेल संजय दुर्गा 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 माता। अभी आपने सुने देवी के 32 नाम। कहते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ना भी कर सकें, देवी के 32 नाम ले लें तो उसी से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। पहाड़ों में देवी और शिव को ज़्यादा पूजा जाता है, तो यहाँ पर जगह जगह आपको पूजा भंडारा और देवी पाठ की आवाज़ें आती रहती हैं जगह जगह। तो मैं ना मतलब अब कुछ सालों से लगातार यहाँ पर आ रही हूँ कन्याओं के लिए मतलब प्रसाद लेके अपने मन की शांति। यहाँ पर पता नहीं क्यों यहाँ आके ना मुझे बहुत असीम शांति मिलती है। मन करता है यहाँ से मैं जाऊँ ही ना, बहुत मन मतलब खुश हो जाता है मेरा मन यहाँ पर। और आके ना आपको यहाँ पर मैंने सोचा था सारी कन्याएं नीचे चली गई हैं, अब मुझे मतलब मिल पाएंगी कि नहीं, लेकिन जैसे मैंने पहला कदम रखा ना कन्याएं आ गई और वो सारी कन्याओं की व्यवस्था कर दी उन्होंने। 9 भी नहीं मतलब बहुत सारी कन्याएं आ गई, जितनी आई जितना मेरे पास प्रसाद था मैं सब मतलब वो लग गया कन्याओं को खिला दिया। तो गाइस पूजा हो गई है, कन्या जी मादी अच्छे से कन्या मिल गई हमको, वहाँ पर अपने आप ही आ जाती है। हाँ मंदिर में हाँ कन्या मिल जाती है, देवी का चमत्कार होता है। मेरे को डर लग रही थी, मतलब डर क्या लग रही थी, कर रहा था मन की हम लेट हो गए हैं, कन्या मिलेगी नहीं, कन्या मिल गई, कन्या जिमा के हम जा रहे हैं वापस घर को। तो पहुंच गए हैं अपने घर के, अब थक गए हैं, अब चाय पियेंगे तब शाम के खाने पीने की करेंगे। लाओ एक बैग मेरे को दे दो, चाबी तुम्हारे पास ही है ना, ले जाओ। लाओ दे दो। क्या हाल है हैं? बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है बाघ का खाया हुआ, अभी फिर चले जाएगा विचरण में, फिर चले जाना है, फिर चले जाना, ठीक है ठीक है, जाएगा फिर। क्या है जैकी, है कोई रिस्पांस नहीं, आऊं करके थोड़ी कुछ होगा, रहने खाली हूँ। क्यों नाखून क्यों नहीं आएगा, नाखून तो आने वाली चीज है। कहाँ पर दिख रहा है, अरे हाथ अभी भी नहीं लगाया, देखो हाथ लगाने पे उठ जा रहा है पाउडर, अभी अब तो सूख गए हैं घाव। ये देखो सब हो गए, बिल बिजली का बिल तैयार है, ये देखो इसका खाना इसको दे दो, आज गाय नहीं आई, गाय का खाना भी परात में रखा हुआ है ऐसे ही। तो गाय जा गए हैं, आज तो मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तो चलिए यहीं पर ही करती हैं घर में। आशा है आपको पसंद आया होगा। जय माता दी माता रानी, हम सब के जीवन में खुशियां लाए, संकट अमंगल निवारण करे, यही मेरी कामना है। बाय बाय, टेक केयर। मंदिर में भी लाइट दिख रही है हल्की सी, देखो करती हूँ, बाय टेक केयर।